प्रियंका चोपड़ा ने न सिर्फ बॉलीवुड में खूब नाम कमाया बल्कि हॉलीवुड में भी झंडे गाड़ दिए हैं। शायद वो हॉलीवुड में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाली इंडियन एक्ट्रेस हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की भी 5 ब्लॉकबस्टर मूवीज ऐसी हैं जिनके लिए सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया था, मगर उन्होंने इन फिल्म्स को रिजेक्ट कर दिया था और ये पिक्चर्स सुपर डुपर हिट हो गई थी। और फिर इन मूवीज ने दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और दीगर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए वंडर्स कर दिए थे। आए जानते हैं ये मूवीज कौन कौन सी हैं और इनके हिट होने का फायदा किन किन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने उठाया। कॉकटेल, सबसे पहले बात 2012 की फिल्म कॉकटेल की। विवर्स कॉकटेल वो मूवी है जिसने दीपिका पादुकोण के करियर को 4 चांद लगा दिए थे। इस फिल्म ने दीपिका को इस वक्त पोस्ट दिया था जिस वक्त इन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर मजे की बात यह है कि कॉकटेल में वेरोनिका के कैरेक्टर के लिए पहली चॉइस दीपिका पादुकोण नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा थी, मगर प्रियंका ने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से कॉकटेल दीपिका के नसीब में आई और खूब हिट हुई थी। सुल्तान, सलमान खान की 2016 की इंतहाई सक्सेसफुल फिल्म सुल्तान को कौन भूल सकता है भला। सुल्तान की भी अनुष्का शर्मा से पहले प्रियंका चोपड़ा को ऑफर की गई थी, मगर प्रियंका ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। असल में प्रियंका चोपड़ा चाहती थी कि इनके बजाय ये फिल्म करें इनकी कजन परिणीति चोपड़ा, मगर परिणीति चोपड़ा को कास्ट करने के बजाय इस मूवी में आरफा के कैरेक्टर के लिए अनुष्का शर्मा को चुन लिया गया था। और फिर ये फिल्म इतनी हिट हुई कि बस, और इसकी कामयाबी का अनुष्का शर्मा को बेइंतहा फायदा पहुंचा था। रोबोट, क्या इंडिया में कोई ऐसी एक्ट्रेस भी है जो रजनीकांत के साथ काम न करना चाहती हो? यकीनन कोई नहीं है। इसीलिए जब 2010 की मूवी रोबोट में रजनीकांत के साथ काम करने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया तो वो ये फिल्म तो करना चाहती थी, मगर इनका बिजी शेड्यूल इसके आड़े आ गया और फिर इनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ऐश्वर्या राय को कास्ट कर लिया गया और फिर ये मूवी हिट हो गई थी। रेस टू दूसरी ऐसी फिल्म है जो प्रियंका चोपड़ा ने छोड़ी थी और इसका पूरा फायदा उठाया था दीपिका पादुकोण ने। दीपिका की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कमाई करने में कामयाब हो गई थी। भारत, और अब आखिर में बात 2019 की फिल्म भारत की। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक करने वाली थी और ये ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया था, मगर फिर न जाने प्रियंका को क्या सूझी कि उन्होंने इस मूवी में काम करने से साफ इनकार कर दिया और फिर इनकी जगह कैटरीना कैफ से रब्ता किया गया और उन्होंने भारत में काम करने की हामी भर ली थी। फिर इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि बस, भारत ने 211 करोड़ इंडियन रुपए कमाए थे। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में बनती है तकरीबन 5 अरब 79 करोड़ रुपए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।